और बहुत दिनों के बाद मैं अपना कोई बड़ा ब्लॉग शूट कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से ऐसे ही मिनी ब्लॉग या फिर रील वगैरह ही शूट कर रही थी, बड़ा कोई ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी। तो आज बहुत दिनों के बाद कोई बड़ा ब्लॉग शूट कर रही हूँ और आज बिग बास्केट का रिव्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर है उनका, मैं रांची में बिग बास्केट का रिव्यू करूं तो उन्हीं के लिए मैंने बिग बास्केट से कुछ सामान मंगाया है। तो आइए मैं उसके बारे में कुछ बताती हूं। तो अभी बिग बास्केट से मैंने सामान मंगाया है कुछ कुछ घर का। जैसे मैंने ऑर्डर किया था बिग बास्केट से सामान कल रात को 11 बजे, और आज आया है मुझे ये सामान लगभग 7:30 बजे के ये सामान मुझे रिसीव हुआ है। वो आए और उन्होंने अपने लिस्ट के हिसाब से और आपके लिस्ट के अकॉर्डिंग सारे चीज़ों को मिलाया जाता है, मिला के वो आपको सारी चीज़ें दे देते हैं, आप पेमेंट कीजिए, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल होता है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने पहले कभी भी बिग बास्केट से सामान ऑर्डर नहीं किया है, मैं उनके लिए बता रही हूँ, जो जिन्होंने ऑर्डर किया है या जिन्हें पता है उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सारी चीज़ें ऑर्डर की है, जैसे कि मकई का आटा, अमूल्या, चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो, डेटॉल, बहुत सारे मसाले के पैकेट, और इस बार मैंने एक अलग चीज ऑर्डर किया है, वो है किनुआ। मैंने सोचा कि इसे ट्राई करें, ये काफ़ी हेल्दी होता है तो चावल के जगह पे इसे खाने के लिए, चावल हम बहुत कम खाते हैं, तो सोचा कि इसे मंगाऊं, इसे ट्राई करूं, देखूं। और हाँ, और एक चीज़, मैंने भी बिग बास्केट से पहली बार सामान ऑर्डर किया है तो मुझे पता चला कि बिग बास्केट से हम कड़ी लीव्स ऑर्डर कर सकते हैं, तो मैंने कड़ी लीव्स ऑर्डर किया है, क्योंकि कड़ी लीव्स का मेरे पास हालाँकि एक छोटा सा पेड़ है गमला में, लेकिन आप हर टाइम उसके अगर पत्ते तोड़ते रहेंगे तो फिर वो छोटा सा पौधा आपका ख़त्म ही हो जाएगा। तो मुझे इनकी पैकेजिंग जो है वो काफ़ी अच्छी लगी, कि ठीक से सामान पैकेट में अच्छा से करके आता है और अच्छे से आपको लिस्ट मिला के ये काफ़ी पेशेंस के साथ आपका जो सामान होता है वो देते हैं, कोई भी हड़बड़ नहीं रहता है कि जल्दी जल्दी सामान देंगे और चले जाएँगे। अब मुझे जो अभी रांची में और मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस मुझे जो अभी लगा, जो हुआ उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। और मुझे थोड़ी बहुत जो है पनीर की हालत थोड़ी सी ख़राब लग रही है, कि पनीर जो है वो फ्रीजर के बाहर काफ़ी देर लग रहा है, रह गया है, तो इसकी हालत मुझे थोड़ी सी ख़राब लग रही है बस। हेलो, हाय, वेरी गुड आफ्टरनून, और आज है संडे, हैप्पी संडे आप सभी को। और आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और बहुत दिनों के बाद आज संडे को बाहर निकल रही हूँ, तो सोचा क्यों ना ब्लॉग कर लिया जाए। तो अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं और अभी बज रहे हैं 1, और अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं, हमारे साथ हमारे दोस्त भी जाने वाले हैं, उन लोगों को हम लोग रिसीव करेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो चलिए चलते हैं, जहाँ भी जाती हूँ आप लोगों से मिलती हूँ वहीं पे, तो चलिए आइए चलते हैं। और ये है आज का मेरा पूरा ड्रेस, आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा हो, तो आइए चलिए चलते हैं। बरसात के बाद, काफी दिनों के बाद हम लोग फिर से रानी फॉल के लिए आ गए हैं, और चलिए देखते हैं कि बरसात के बाद रानी फॉल का क्या हाल है। और रास्ता जो है, जैसा कि मैंने पहले भी काफी सारे ब्लॉग में बताया है, कि यहाँ पे जितना भी फॉल है उस सभी का रास्ता जो है वो काफी खराब हो चुका है।
पानी देखिए कितना कम है। बरसात वाले ब्लॉग में देखा होगा आपने कि पानी कितना था, और अभी देखिए पानी कितना कम है। चलिए सामने से देखते हैं। लेकिन डरते थे, पहले उलम का पूरा पानी आता था ना? हाँ, इससे पूरा पानी गिरता था। देखिए कितना कम पानी है, पूरा कम पानी है, और चारों तरफ कचरा ही कचरा है। और अभी भी काफी लोग हैं यहाँ पे पिकनिक के लिए, काफी भीड़ है, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं है, काफी भीड़ है। हम लोग रानी फॉल से निकल चुके हैं और शाम के 4:15 हो चुके हैं, और यहाँ से हम लोग एक मंदिर के बारे में सोचे हैं, अगर वहाँ जाते हैं तो आप लोग से वहीं जाके मिलते हैं। और बरसात में रानी फॉल कैसा था, मैं अपने ब्लॉग का लिंक, बरसात वाले ब्लॉग का लिंक रानी फॉल का, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यही मंदिर हम लोग जा रहे हैं, बाबा अमरेश्वर धाम। इसमें सहयोग राशि 250 रुपीज लिखा हुआ है, पता नहीं ये अंदर जाने के चार्जेस हैं या क्या, ये तो वहां जाके ही पता लगेगा। तो आइए चलिए चलते हैं। और यहाँ पर अंदर आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ एंट्री फीस कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ था। अगर आपको मन है तो यहाँ पे आप अपना कुछ मन से योगदान दे सकते हैं।
और मैं घर आ चुकी हूँ और रास्ते में कोई ब्लॉग नहीं किया, काफी थक चुकी हूँ। मंदिर से निकलने के बाद हम लोगों ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हमने अपने दोस्त और दोस्त की फैमिली को घर छोड़ा और उसके बाद हम अपने घर आ गए। घर आके मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और फ्रेश होके एकदम अपने बिस्तर पे आ चुकी हूँ और मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ज़रा सा भी आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाय बाय, गुड नाइट।